जोहार हजारीबाग, आज जहां विनोबा भावे में एक तरफ 97 करोड़ रुपया बांटा जा रहा था पीएम उषा के तहत, वहीं लाओ कॉलेज के कुछ छात्र जो हैं बाहर धरना में बैठे हुए थे, विवेकानंद ऑडिटोरियम के बाहर धरना में बैठे हुए थे। और उनका मानना ये था कि उनका जो 1 साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद उनको कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है। क्या प्रक्रिया है, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं किस तरह से उनको जो है एग्ज़ाम लिया गया, क्या प्रक्रिया हुई उसको लेके स्टूडेंट जो हैं सांसद से ही मिले हैं, और यहाँ के जो आयुक्त हैं जो VC के पद पे हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये पूरा मामला जो है लॉ कॉलेज को लेके बहुत दिन से गरमाया हुआ था, क्या स्टूडेंट 1 साल पढ़ने के बाद उनको कॉलेज से हटाया जा रहा है, या फिर वो एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसमें फेल हो गए हैं, उसमें क्वेश्चन जो आए उसमें नेगेटिव मार्किंग था, ये सारी बातें निकल के बाहर आ रही हैं। इसको लेकर यहाँ के छात्र क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। उस नामांकन में जितने मेरे पीछे आए थे उन लोगों का एडमिशन रहा, बाकी जो सीट खाली रहा उसमें प्रिंसिपल द्वारा एडमिशन ले लिया गया। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी तरह खबर आई तो विश्वविद्यालय प्रशासन एक जांच कमेटी बनाई। उसके बाद जो 82 बच्चे हैं जो सीट वैकेंट रह गया था उन उसमें जो एडमिशन हुआ LLB BLLB में, उनमें जो 82 बच्चों का अभी तक एडमिशन पूरा नहीं हुआ, उसमें फिर से एक स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट करवाया गया। उस स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट में वो उसका क्वेश्चन ऐसा था जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, उसमें मात्र 82 बच्चों में मात्र 6 लोग क्वालिफाई किए, बाकी सारे नॉन क्वालिफाई किए। उसमें आज तक लॉ का जितना भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसमें कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ। उस स्पेशल एंट्रेंस मैंने एंट्रेंस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग भी किया गया। उसके बाद मैडम देखेंगे ये जो अभी जो है 23 से 24 का है, इसमें जो है सीट भरने के लिए 5 मार्क्स वालों को भी उठाया गया है एडमिशन में, और ये जो सत्र है इसमें 32 नंबर ला के भी जो है विद्यार्थी उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, बच्चे बाहर में धरना बैठे हुए थे, आखिरी बच्चों की बात अभी आई, बच्चे जानकारी दिए लॉ के स्टूडेंट हैं, उनकी कुछ समस्याएँ हैं एडमिशन को लेकर। तो निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, ये समय जो उन्होंने धरना में दिया है ये समय उन्हें पढ़ाई में व्यतीत करना चाहिए। लेकिन जिस भी स्तर से अभी विश्वविद्यालय प्रशासन को भी कहा गया है कि आप इसको कुलपति हैं तो उनको भी ये कहा गया है कि जो भी मामला है इसको आप देखें, जितना जल्द हो सके इसको शॉर्ट आउट आप करें। धरने बैठे हुए थे और यहाँ पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित विधि महाविद्यालय में सत्र 22 से 25 LLB और 22 से 27 BLLB, उनमें जिन विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था उसके बाद जो पोस्ट सीट जो रिक्त रह गया था उसमें प्रिंसिपल द्वारा इन लोगों का एडमिशन हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे कुछ दिन बाद जब चला उसके बाद किसी माध्यम से विश्वविद्यालय को पता चला, विश्वविद्यालय द्वारा एक जाँच कमेटी बैठाई गई, उसमें बात आया कि इन जो विद्यार्थियों 82 विद्यार्थी हैं उस ऐसे जिनको इन लोगों का नामांकन रुका हुआ है उसमें ये बात आई कि इनका जो है इन लोगों को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद बहुत दबाव बनने के बाद ये लोग राजभवन में लिख के दिए, राजभवन से लेटर आया कि इन लोगों का फिर से एक स्पेशल इंटरेस्ट टेस्ट होगा। उसमें जो है उसका प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो लगेगा जुडिशरी का एग्ज़ाम है। उसके बाद आज तक विधि महाविद्यालय के जितने भी इंट्रेंस टेस्ट हुए हैं उसमें कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था जिसके चलते विद्यार्थी जो है सारा क्वेश्चन टच नहीं किए। उस समय जो रजिस्ट्रार थे घूम घूम के विद्यार्थियों को कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग है सो समझ के करना, ये विद्यार्थी दबाव में आके नहीं अटेम्प्ट किए प्रश्नों को। उसके बाद आप देखेंगे जब रिजल्ट आया मात्र 82 में से 6 बच्चों का जो है उसमें क्वालिफाई किए हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो बचे हुए हैं उनको निकाल दिया जाएगा। आप देखेंगे कि अभी जो है 23 से जो 25 है और उसके बाद वाला जो सत्र है उसमें सीट को फुल करने के लिए 5-5 नंबर पे भी एडमिशन लिया गया है, और ये लोग जो सत्र है 22-25 और 22-27 वाले में ये ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 32 नंबर आया है वो भी क्वालिफाई नहीं किए, उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। क्या मांग आप लोग? हम लोगों का मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और सारे विद्यार्थियों को अविलंब एडमिशन किया जाए, इन लोगों का एक साथ एग्ज़ाम हो और ये लोग रेगुलर बेसिस में आए। मंत्री ने क्या कहा? वो लोग हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, माननीय मंत्री ने, विधायक जी थे, सांसद महोदय भी थे, हम लोगों को आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इस पर हम लोग विचार करके फिर से इसको बहाल करेंगे।
कॉलेज के जो स्टूडेंट लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, उन पर क्या हो रहा है, कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या होगा उनका, राजभवन का जो इंस्ट्रक्शन है उसी के तहत कार्रवाई हुई है। हम विश्वविद्यालय ने अपने से कुछ भी नहीं किया है, राजभवन का, हाँ, चांसलर का आदेश है, उसके आलोक में ये कार्रवाई हुई है।